हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा जहां यूपी में सैनिटाइजेशन व सफाई की व्यवस्था लगातार की जा रही है, तो वहीं यूपी के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के भीमनगर में सड़कें पानी में तब्दील हैं। नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे सैकड़ों मच्छर पैदा हो रहे हैं। जल भराव के कारण वहां से निकलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई सालों से लगातार नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है और जल भराव की बड़ी समस्या है। साथ ही पानी की कोई निकासी भी नहीं है। नगर पालिका के अधिकारियों को कई बार इस मामले से अवगत कराया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही उनका कहना है कि मोहल्ले के लोग गली में भरे गंदे पानी में से होकर निकलने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी इस गंदे पानी में से होकर निकलना पड़ता है। लोगों का कहना है कि देश में एक तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव की बड़ी समस्या है। नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है, साथ ही पानी की निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। दोस्तों, मैं हूं वीर सिंह हापुड़ हलचल से। आज हम आपको लेकर आए हैं भीमनगर गांव में, जो कि पहले भी हम यहां की समस्या दिखा चुके हैं। जल भराव से लोग काफी परेशान हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो जल भराव की तरफ एक बार दिखाएं। जनता काफी परेशान है यहां पर, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है, जिसकी काफी बार अभी तक कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन किसी ने भी इसका समाधान नहीं किया है। ये हम कुछ लोगों के यहाँ से हैं जो इनसे बात करते हैं और आपको इनके इसके बारे में जानकारी दिलवाते हैं कि ये ऐसी इसकी क्या समस्या रही जो अभी तक ये सड़क नहीं बन पाई। सर, क्या नाम आपका? सेवाराम। आप क्या चाहते हैं इसमें? बस इसका समाधान हो जाए, नाला बन जाए, नाला कहीं ना कहीं निकल जाए तो इसका समाधान हो जाए। सर, राम मंदिर ज्यादा परेशान है, पब्लिक का बीमारी और फैलिए, बच्चे हो बीमार, मच्छर और कीड़े मकोड़े सब बना रहे हैं, तो मच्छर पैदा हो, बच्चे कंप्लेंट कितनी करनी है? 500 कंप्लेंट कर दी, 500 बार कह चुके, 6-7 साल से हम लड़ते आ रहे हैं एप्लीकेशन के लिए यहाँ से राम मंदिर नाले के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या आप कभी SPDM या डूडा ऑफिस में नहीं गए कभी कहने के लिए? मैं गया था जी डूडा ऑफिस में, लेकिन उन्होंने नगर पालिका करेगी डूडा वाले के लकड़ा जी, उसे बुलाया ऑफिसर से, उससे कही बस कहने हमारे सामने कह दी, बात खत्म, कोई सुनवाई ना होगी। और यहाँ देख सकते हैं लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं अपने कैमरामैन से एक बार फिर कहना चाहूँगा, वो दिखाना चाहूँगा कि इधर जो पानी भरा हुआ है, लोग काफ़ी समस्या के कारण जूझ रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, 5 सालों में कोई अभी सड़क नहीं बन पाई है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। इसी रोड पर 3 स्कूल पढ़ते हैं, जो कि सबसे बड़ा स्कूल एक एलन पब्लिक स्कूल है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इससे आगे एलन पब्लिक स्कूल से आगे है एक मदर प्राइड, जो कि काफ़ी जाने माने स्कूलों में गिनती होती है उन्हों की, लेकिन फिर भी ये रास्ता अब तक नहीं बन पाया है। लोगों का कहना है कि यहाँ तक अब तक उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट की है, लेकिन कंप्लेंट अभी पर कोई किसी भी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ से अभी नाला मेंबर साहब के यहाँ से और राम मंदिर पर भी डालना समस्या का हल हो जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।